क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे अब बहुत ज्यादा आपका ना हो, क्योंकि इसमें ये यानी कि दैट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू इज कॉल्ड, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपका नाम देखा, दिस इज द और एंड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ए जीरो। ये बिल्कुल, तो वेयर देखो ए इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म जिसको कहते हैं। इसमें ओनली बहुत अंतर है, यू नो कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म के अंदर आपका नाम डिजिट भी आ सकती है एंड आपका नाम नंबर्स भी आ सकते हैं। What is the difference between the digit and numbers? Digit का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These are the digits. And when we combine the digits, वो numbers हो जाते हैं 10, 11, 12, 100, वो आपका। तो पहले तो बच्चे को, कई बच्चे तो digit और number को एक ही समझते हैं आपका नाम, तो वो आपको नहीं समझना है, आपका याद रखिएगा। तो ये आपका नाम देखो दोस्तों, कॉन्स्टेंट है। ए को क्या बोलते हैं, बी को, व्हाट इज अपन, सी को क्या कॉल करते हैं अपना, देखो ये हो गया अपना, वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी आर अपना रियल नंबर्स, इनको कहते हैं वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। एग्जैक्टली अपना बेसिकली, अब अगर मैं किताब से हट करके जाऊं, जो मेरा ब्रेन कहता है वो क्या कहता है कि व्हेन द क्वेश्चन इज सॉल्विंग बाय मिडिल टर्म स्प्लिट्स एंड इट इज फेल्ड या और व्हेन द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज फेल टू सॉल्व, देन सच क्वेश्चन आर सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अपना नाम आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता है, इसमें भी द हाईएस्ट डिग्री आपकी टू होती है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे तो ये भी आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू जीरो। और यहां पे दो मैथमेटिशियन सर ने काम किया था, श्रीधर चार्य मैथमेटिक्स तो इंडिया की देन है। अरस्तु का नाम आपने सुना, प्लूटो का आपने नाम सुना, प्लूटो के गुरु का नाम था अरस्तु, चंद्रगुप्त आपका नाम सुना, नहीं सॉरी विक्रमादित्य, दौ जो लगाए अशोका द ग्रेट आपका, अलेक्जेंड्रा द ग्रेट, विक्रमादित्य द ग्रेट, इनके ऊपर द ग्रेट लगता, क्योंकि अपने न्याय के लिए विक्रमादित्य वॉज फेमस फॉर हिज जस्टिस, उन्होंने कभी किसी आदमी के साथ अनजस्टिस नहीं किया। तो वो चीजें
आता है ना, और मैथमेटिक्स जो मार्केट में आपका इंट्रोड्यूस हुआ वो प्लॉट और इन्होंने किया था, अस्तित्व नहीं उन्होंने कहा था, मैथमेटिक्स सारे विषयों की जननी है। जबकि हमारे यहाँ हम लोगों को क्या कि मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ ओनली साइंस नॉट साइंस। वेर एवर फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग टूडे यू आर गेटिंग अप एन आवर्स, डिजिटाइजेशन का युग हो गया है, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में आप कर रहे हैं सारा काम कर रहे हैं, एवरीथिंग यू आर गेटिंग, दुनिया भर के आपका टीच मेंटर, ये मेंटर, वो मेंटर, दुनिया भर के बने, एवरीबडी इज अपन इन्वॉल्व इन द सिलेबस एंड ऑल दिस, अपन इंट्रोड्यूसिंग द क्वेश्चंस अपन, मैं भी जैसे यूट्यूब में बना रहा हूँ ये सब, लेकिन परफेक्शन आपकी ये इन चीजें तो श्रीधराचार्य और हनुमान खेम सर ने इस पर अपना काम किया। ये मेरे हिसाब से कहीं किताबों में कहीं देना चाहिए इनको, लेकिन अपना किसी ने क्वालिटी की क्वेश्चन में कई वेरियस मेथड्स की आप बात करें, माना कहने का मतलब है अपना श्रीधराचार्य उमर खयाम मेथड ने क्या, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा व्हेन सपोज जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू अपना, ये जैसे आपका होगा ए एक्स स्क्वायर का यानी कि वन एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 16 3 टू जा 6 मिडिल टर्म स्प्रेडिंग से हो गया, ठीक है। अब हम इसको ये भी चेक कर लेते हैं, तो अगर ये माइनस है तो 6 के आपने फैक्टर किए, इसको प्लस 6 में से माइनस का 1 जाएगा, प्लस का मतलब प्लस माइनस का, इसका मतलब ये भी मिडिल टर्म स्प्रेडिंग से हो जाता है। अब अगर ये बाई दिन ये माइनस और ये प्लस है, माइनस थ्री एक्स और माइनस टू एक्स आपका आपने ऐड किया तो माइनस फाइव, और माइनस माइनस का आपका जो प्लस ये भी आपका हो गया। अगर एक फाक से यहाँ पे आपका सेवन सपोज तो आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बिल्कुल नहीं हो पाता। तो जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इफ एनी क्वेश्चन विच इज नॉट सॉल्व बाई द हेल्प ऑफ द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो नाउ यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट चैप्टर एंड दैट नेक्स्ट चैप्टर इज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप करेंगे इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले अपना आपको फॉर्मेट पता है, ये फॉर्मेट है ए बी सी व्हाट आर दिस, आपने ये किया, इसके बाद अब आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट, ये होता कैपिटल डी, और कैपिटल डी की वैल्यू निकलती है बी स्क्वायर माइनस वन एक्स। ये जो फॉर्मूला दिया था इससे श्रीधराचार्य सर ने एसपीसी उन्हें कहा था कि एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच कैन बी अपन विच इज गिवन, फर्स्ट यू प्लीज फाइंड आउट द डी, डी निकाल, डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, इन हिंदी दैट इज उन्होंने विविक्तर कुछ कहते हैं बाहर आते हैं ये क्या। अब यहां से आगे अपना इफ कंडीशन चलती है, इफ एक्स एक्स सॉरी इफ डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर आपने ये कैलकुलेट किया और ग्रेटर देन जीरो का मतलब आपका पॉजिटिव इंटीजर आया, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस सिक्सटीन प्लस 31 जो भी आए, तो प्लस में अगर आपकी वैल्यू आएगी आपने क्या लिखना है, हाँ इट्स टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स अल्फा बीटा, अगर अल्फा की वैल्यू कभी कभी प्लस में होती है और बीटा की वैल्यू माइनस में होती है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, कभी कभी क्या होता है अल्फा की वैल्यू सपोज आपका ना वन आ रही आपका टू आ रही तो बीटा की वैल्यू आपका रेशियो भी आ सकती है, ये याद रखिएगा। एक जमाना होता था आप क्योंकि आपको कई क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं आपका ना वैसे अल्फा प्लस, और क्योंकि डिस्टिंक्ट रूट ले लिया तो डिस्टिंक्ट होता प्लस भी हो सकती माइनस भी होती और एक वैल्यू की दूसरी रेसिप्रोकल्स भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है प्लस टू तो ये माइनस टू हो सकता है, प्लस थ्री तो ये माइनस टू हो सकता है, और एक वैल्यू ऐसे भी आ सकती है। एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि सवाल ही नहीं है तो पॉजिटिव आपने लिखा, तो यहां पे हम क्या करते थे अप्लाइंग श्रीधराचार्य एंड उमर खयाम मेथड,
उमर खयाम होते हैं। अब ये दो मैथमेटिशियन हैं जिन्हें आपका यहाँ पे देखा, वो भी शर्म से झुक जाते होंगे जब वो देखते होंगे हमारे हिंदुस्तान में हमारे मैथ की ऐसे कुकुरगत कहते हैं। अब आप करो किसके मतलब इक्वेशन आपकी किस में एक्स में, तो यहाँ एक्स लिखते हैं। अगर ये इक्वेशन ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी होती तो यहाँ वाई लिखते, इफ ये ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस जेड सी होता तो आप जेड लिखते, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू। तो ये जो आप देखते माइनस बी अपॉन टू है ये उमर खयाम सर ने दिया, तो दो मैथमेटिशियन से मिलकर के फॉर्मूला बना, एक प्लस की वैल्यू आ रही और एक माइनस की प्लस माइनस। इसका मतलब अगर आप इसको सीरियसली देखें एक्स की एक वैल्यू जो अल्फा होती है आपका माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की जगह में आप डी भी लिख सकते हैं, और बीटा की जो वैल्यू होगी माइनस बी माइनस डी अपॉन टू। पहला कंडीशन इफ यू आर गोइंग टू बी कैलकुलेट द बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी एंड इट्स वैल्यू इसका हमें मोर देन जीरो मींस पॉजिटिव इंटीजर। कंडीशन इफ डी इज इक्वल टू जीरो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को कैलकुलेट कर रहे हो और उसके बाद ये जीरो आपने लिखना है यहाँ पे हाफ इज टू रिपीटेड जब यही जीरो आ गया यही जीरो आ गया इसमें एक्स की दोनों वैल्यू अल्फा और जो बीटा आप लिखेंगे इसके दोनों की वैल्यू माइनस बी वाई डी इफ डी इज स्मॉलर देन जीरो अगर जीरो स्मॉलर देन जीरो का मतलब क्या हो गया निगेटिव इंटीजर यू आर गोइंग टू बी कैलकुलेटेड बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी एंड दैट इज का माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस थर्टी सिक्स माइनस फोर्टी नाइन माइनस फिफ्टी कुछ भी आ रहा माइनस में आ रही आपने यहाँ पे लिख देते नो रियल रूट्स आप लिखते हैं और क्वेश्चन को यही रखना टचअप कर देते क्वेश्चन इतना लिखा और छोड़ दिया। यहीं से आपके पीछे जो बैच आता है कौन सा आता है इलेवंथ में, इलेवंथ में जो वो लोग अब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका नाम बदल सकते वो इसीलिए पढ़ा जाता है यहां से। अब सपोज जैसे आपने क्या किया डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आपने कैलकुलेट की और ये आ गया माइनस वन तो टेंथ में हम क्वेश्चन को यहां इतना लिख करके छोड़ देते हैं लेकिन यहां यहां हम क्या करते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका एंड आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ एक चैप्टर दोनों को मिलाकर के अपन उसमें ये जो माइनस वन होगी माइनस वन की जो वैल्यू होती है ये आपका अभी आएगी तो रूट के अंदर ही आएगी अपन अगर प्लस वन है तो ये तो बारह लेकिन ये नहीं आएगा तो इसकी वैल्यू जो होती है आई होती है रूट माइनस वन की जो वैल्यू होती है आई दैट इज कॉल्ड द आयोटा आयोटा। यहां से आगे आपका नाम जो है इलेवेंथ में क्वेश्चन होते हैं तब ये मॉडुलस आर्गुमेंट पोलर जेड यहां यहां पे जो होता है जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी में दिस इज कॉल्ड ये आपका रियल पार्ट होता है और ये जो बी होता है दिस इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट। बिल्कुल इलेवेंथ का भी आजकल वही चल रहा है कल ही आपका आर्गुमेंट मॉडुलस वगैरह सब खत्म हुआ आज उनका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काम करना है उनका तो ये चीजें आपके ऐसे आप पढ़ेंगे इसको तब उसके बाद हम सवाल कर पाएंगे तो एक लिटिल बिट क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमने खत्म किया उसके बाद थोड़ा सा एक ब्रीफ करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो दिस इज द ब्रीफ सवालों पर हम कर जाएंगे। अब यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए भी अपना इसमें मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर से इस फॉर्मूले को आप प्रूव कर सकते हैं
वो फॉर्मूला कैसे प्रूफ होगा कल वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले फॉर्मूला प्रूफ कराऊंगा तब। तो आज एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, इस इंट्रोडक्शन को मैंने आपको बताया। कल आपसे मुलाकात होगी। चैप्टर पहले शुरू करने से पहले कुछ उसके थोड़ा सा एग्जांपल दे दिए जाएंगे। और याद रखिएगा, अगर आपको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के एप्लीकेशंस यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स आपकी बहुत अच्छी समझ में आई, यहाँ आपका नाम आप आराम से वर्कआउट कर सकते हैं उन प्रॉब्लम्स के ऊपर, क्योंकि एप्लीकेशंस दोनों की लगभग लगभग एक जैसी होती है। हाँ, हम किसी को जैसे यूनिट डिजिट वाले, टू डिजिट नंबर वाले, उसको थोड़ा सा इसमें अलग मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे वहाँ लेट ए नंबर इन यूनिट प्लेस भी एक्स किया, वहाँ करके इसको यहाँ थोड़ा सा दूसरे मेथड से कर सकते हैं। नंबर तो यूनिट और टेंथ में वही रखेंगे उसमें। तो हैव ए नाइस नाइस इवनिंग्स, गॉड ब्लेस यू। कल आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवालों के साथ आगे बढ़ूंगा।